जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूँ वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूँ आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें बहुत जबरदस्त विश्लेषण किया है ताहिर गोरा ने भारत की और पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंपेरिजन का। कैसे भारत ने आज इन पिछले साल कितना एक्सपोर्ट किया, और उस स्थिति में दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान था, तब क्या पाकिस्तान के लिए इमरान खान ने किया, क्योंकि वहाँ के 10% लेवल पे भी पाकिस्तान नहीं पहुँच पाता है। क्यों आज पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन इतनी ख़राब है कि पाकिस्तान की हालात चरमराई हुई है, जबकि यहाँ तक कि पाकिस्तान तो बांग्लादेश लेवल का भी देश नहीं बन चुका है। तो दोस्तों देखिए विश्लेषण, बहुत ज़बरदस्त विश्लेषण ताहिर गोरा जी ने किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमरान खान के बीच में। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आपने नाम लिया भारत का, और भारत के प्राइम मिनिस्टर अभी यूरोप के विजिट पे थे, और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तानी मीडिया ने दिखाने की जरूरत महसूस नहीं की। कोई न्यूज हमने नहीं देखी कि किसी टीवी चैनल पर चली हो या कोई रिपोर्ट दिखाई गई हो। भाई हमारी एक साथ में कंट्री है, एक नेबरिंग कंट्री है, आपको बताना चाहिए ना, मीडिया को बताना चाहिए कि क्या हो रहा है उनके यहाँ, लेकिन ऐसा कुछ दिखाया नहीं। आप कह रहे हैं कि उनसे कुछ सीखेंगे, ये सीखने को तैयार नहीं लगते मुझे, लेकिन फिर भी हम तो खैर बात करते रहेंगे अपने चैनल पे। और साथ ही ये भी है कि जो इमरान खान जो यूट्यूब चैनल्स बुलाते हैं वो उनकी मर्जी के होते हैं, वो ऐसे नहीं होते जो उनसे कोई सख्त सवाल किया जा सके। उन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती, ना ही उनको इतनी इजाज़त होती है। लेकिन सर आपने, आप किस तरह से देखते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस यूरोप विजिट को? देखिए पहली बात आपने की कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजिट को पाकिस्तानी टीवी चैनल्स ने नहीं दिखाया, ना दिखाएं। भारत को इसकी तो ज़रूरत नहीं है, ना भारत की ये ख्वाहिश है। भारत जो कुछ अपने लिए कर रहा है फ्रेंकली, वो तो अपने लिए कर रहा है, वो पाकिस्तान के लिए थोड़ा कर रहा है। भारत के जो इंटरनेशनल स्टेक्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो रिसेंट विजिट है वो उस बात की गवाही है। जिस तरह वो जर्मनी में उनका स्वागत हुआ, और जिस तरह जर्मनी ने उनके साथ बड़े बड़े बिजनेस मुआहदे किए, उसके बाद वो डेनमार्क में ना सिर्फ डैनिश प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं बल्कि इंडो नॉर्डिक समिट भी होता है, जिसमें डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड यानी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, रिच हैं, उनके साथ होती है मीटिंग्स और बड़े अहम उसमें फैसले होते हैं। और फिर आखिर में फ्रांस के न्यूली री इलेक्टेड प्रेसिडेंट के साथ उनकी मीटिंग होती है, और जिस तरह उनका प्रोटोकॉल रहता है। फिर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस तरह की लैंग्वेज, फर्म लैंग्वेज यानी जो इंडिया का स्टैंड है उसको करने के लिए बरतते हैं, मसलन वो कहते हैं कि जर्मनी में कि भाई ये जो यूरोप में जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट यूक्रेन और रशिया का चल रहा है, जिसमें जाहिर है यूरोपियन यूनियन भी इन्वॉल्व है, अमेरिका भी इन्वॉल्व है, वेस्टर्न वर्ल्ड पूरी इन्वॉल्व है, तो वो कहते हैं कि इसका फ़ायदा किसी को नहीं है, तो वो एक मैसेज देते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी धीरे धीरे भारत को बहुत, जिसे कहते हैं, नेक्स्ट से नेक्स्ट लेवल पर इंटरनेशनल स्टेज पर ला रहे हैं। और जो वो ये कर रहे हैं वो कोई पाकिस्तान को दिखाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं। अब ये तो पाकिस्तान की अपनी है ना मर्जी कि वो इसे कुछ सीखना चाहें या ना सीखना चाहें। अब जो पाकिस्तान की न्यूली इलेक्टेड कोलिशन गवर्नमेंट है वो डेफिनेटली इन चीज़ों में कुछ सेंसिबल है, वो कुछ सीखना चाहेगी, मगर जाहिर उनके बहुत ही मसाइल हैं पाकिस्तान के, इतना बड़ा फाइनेंशियल क्रंच है। अब देखिए भारत का जो पिछले साल का एक्सपोर्ट जो है $400 बिलियन है, $400 बिलियन भारत ने एक्सपोर्ट किया है। अब ये क्वेश्चन अगर आप पाकिस्तान के सामने रखिए तो पाकिस्तान के इमरान खान रहे हैं ना पिछले साल प्राइम मिनिस्टर, तो क्या वो इंडिया से, चलिए आपकी आबादी भी 1/5, 1/6 है, तो आप इतना कर सके हैं कोई $75 बिलियन का एक्सपोर्ट? ठीक है, तो मतलब अभी तो $50 बिलियन का एक्सपोर्ट भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नंबर है फ्रैंकली। तो फिर जो भारत के सरप्लस हैं, जो मतलब वो नो कंपैरिजन सीखना चाहिए। मैंने पीछे आपसे बातचीत करते हुए अर्ज किया
कि पाकिस्तान चलिए भारत से अगर कुछ नहीं सीखना चाहता तो बांग्लादेश से ही सीख ले, बांग्लादेश से सीखना तो बनता है ना, लेकिन वो भी नहीं अगर सीख रहे तो फिर खुदा से ही सीख लें, फिर हम यही कह सकते हैं। तो बहरहाल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो विजिट था वो बहुत ही लैंडमार्क विजिट था, क्योंकि ख़ास तौर पर कोविड के 2 सालों के बाद इस तरह का विजिट वो बड़ा इम्पॉर्टेंट था भारत के लिए भी और यूरोप के लिए भी। आप ये देखिए, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भारत का दौरा ही नहीं, आप 1.5-2 महीने में देख लीजिए कि पूरी दुनिया के साथ जो इंटरेक्शन है, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर भी भारत गए, फिर ये अमेरिकन जो हैं हाई लेवल ऑफिशियल वो गए, मेरा ख्याल 2 महीने में कम से कम कोई 2 बार तो जो बाइडन के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई, जापान के साथ, मतलब यू नेम एनी वर्ल्ड स्टेक होल्डर जो भारत को इक्वल लेवल पे नहीं रखता, और भारत भी अब अपने आप को इक्वल लेवल पे ही उनके साथ इंटर एक्ट करता है, मतलब वो कोई ऐसा नहीं है कि भाई हमें कोई आपसे पैसे चाहिए, आपसे मदद चाहिए, वो तो चाहिए नहीं भारत को, वो तो भारत तो ट्रेड की बात करता है, टेक्नोलॉजी की बात करता है, असले की खरीदो फरोख्त की बात करता है, तो वो भी इट्स अ वेरी डिफरेंट लेवल, इट्स नॉट कंपेरेबल विद पाकिस्तान एट ऑल। तो अब ये है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर साबका इमरान खान, वो बार बार कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उन्होंने पहली बार इनडायरेक्टली अप्रिशिएट किया था जब आखिरी दिन थे, कि जी वो किस तरह अपनी खुदी को बरकरार रखे हुए हैं। तो बात ये है कि ये तो इसकी खुदी तो अपने घर में नहीं है इमरान खान की, आज ये इसको इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं, जो सही जो स्टेक होल्डर हैं अंदर इस्टेब्लिशमेंट के, कई लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो नज़र आ रहा है, मगर आज बाजवा साहब इसकी उंगली पकड़ लें तो ये उस तक चल पड़े, तो इसकी क्या खुदी है, ये तो ड्रामाबाज आदमी है, एक तमाशबीन आदमी, अच्छा इसको अंदाजा भी नहीं है कि ये ड्रामे करता है, अनफॉर्चुनेट। एक ही होता है कि आदमी झूठ बोल रहा हो ना तो उसको पता हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो फिर वो जब आदमी को एहसास हो कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ लेकिन मेरी मजबूरी है, तो फिर आदमी अपने आप को ठीक कर लेता है, लेकिन जब आदमी झूठ बोल रहा हो और उसको ये पता हो कि ये सच है तो फिर उसका ठीक होने का कोई चांस ही नहीं होता, वो फिर कहानी खत्म है। बिल्कुल, और इमरान खान साहब शायद अपने ऐसी झूठ को सच समझ रहे हैं। लेकिन सर लास्ट में मैं ये जरूर पूछूंगी कि जो अभी नई गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ साहब की, वो भी हमें कुछ खास बेहतरी की तरफ कोई खास जाती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो भी इसी काम में लगे हुए हैं कि इमरान खान साहब की गलतियां गिनाते रहे, या फिर यही लड़ाई झगड़े इसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, वही कुछ हो रहा है, सऊदी अरब से कहा गया है जी फिलहाल पैसे वापस ना लो, और इकोनॉमी के ऊपर क्या कर पाएंगे ये, और किस तरह से ये गवर्नमेंट चल पाएगी आपके ख्याल से? देखिए ये मतलब मैं समझता हूँ कि एक तरह से ट्रांजिएंट गवर्नमेंट है, जो जब तक अगले इलेक्शन नहीं होते तब तक अगर ये अपना किरदार अदा कर सकी, बिकॉज ये बड़ी वीक गवर्नमेंट है, अगर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कल कलाओं को कोई तब्दीली होती है और कोई शख्स इमरान खान के साथ मिल जाता है तो फिर एक फ़ोन कॉल होगी किसी भी मतलब एलआई को, एमक्यूएम को या किसी भी, कि भाई आप ये 4-6 वोट इधर से उधर कर रहे हैं, मतलब इतना है, मतलब लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि इमरान खान की फट से हुकूमत बन जाएगी, क्योंकि जो उनके अपने 23-25 वट एवर नंबर ऑफ पीपल हैं जो उनसे नाराज हुए हैं वो तो शायद आसानी से वापस नहीं आएंगे, लेकिन एक नेक्स्ट इलेक्शन की कॉल आ जाएगी, नेक्स्ट इलेक्शन वैसे ही होना है, उसमें थोड़ा सा टाइम होगा। अब जहां तक कारकर्दगी का मामला है, जहां तक आपने ये कहा कि ये लोग भी इमरान खान और उनकी पार्टी की गलतियां ढूंढने में लगे हुए हैं, तो अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स में तो फिर ऐसा होता है, जब इमरान खान ने इनको जूती की नोक पर रखा हुआ है तो वो भी तो कोशिश करेंगे ना कि इनको, यानी इमरान खान और तरीके इंसाफ को अपनी जूती की नोक पर रखें, ये एक बड़ा सीधा सा पॉलिटिक्स का मामला है। अगरचे इमरान खान इस बात में अपने नैरेटिव को छालने में ज़्यादा कामयाब हुए हैं, क्योंकि तो उनके पास जो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग हैं, जो उनका कल्ट है वो बना हुआ, वो ज़रा ज़्यादा फाल हैं, फिर वो सोशल मीडिया पे बॉट से रबॉट से वो काफ़ी पैसा भी खर्च कर रहे हैं और वो ये काम भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो सरकार है ये जाहिर है कुछ इस तरह की
इंतकामी कार्रवाइयाँ ये भी करेंगे, करना शुरू कर दी हैं। जाहिर है मतलब बदकिस्मती से वहाँ की फिल्थी पॉलिटिक्स ऐसी ही है। जब इमरान खान आए थे इक्तदार में उन्होंने भी यही काम किया था। अब अगरचे अभी तक उस लेवल पे इस कोलिशन हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ वो ऑपरेशन शुरू नहीं किया क्योंकि वो अभी वीक गवर्नमेंट है, फ्रेंकली वो इस पोजीशन में नहीं है कि उतना बड़ा ऑपरेशन तहरीक इंसाफ के खिलाफ शुरू कर सकें। जहाँ तक इकानमी की बात है तो इकानमी कोई इतना आसान खेल तो है नहीं। ये बिगाड़ सिर्फ इमरान खान के दौरे हुकूमत में नहीं हुआ, ये बहुत पीछे से चला आ रहा है, लेकिन इमरान खान के दौरे हुकूमत में बहुत बुरी तरह से बिगाड़ हुआ इकॉनमी का। तो अब देखिए एस्टेब्लिशमेंट भी, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि इमरान खान उनका चहेता ही था। अभी भी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बहुत सारे लोगों का चहेता है, वो तो चूंकि पैसे वैसे नहीं ला सके ना इमरान खान, तो इसलिए इनको दायम